सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कर्मचारी संगठनों, स्वतंत्र फेडरेशन और कई ट्रेड यूनियनों की संयुक्त आह्वान पर मजदूर हित को लेकर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत 3 जुलाई शुक्रवार को डाल्टनगंज शहर में सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में कई मजदूर संगठनों के नेताओं और मजदूर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और जुलूस की शक्ल में केंद्र सरकार के विरुद्ध भारी नारेबाजी की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरे और केंद्र सरकार से राशन और रोजगार की मांग की। वहीं छमान चौक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मजदूर नेताओं ने कहा कि सरकार पेट्रोल, डीजल और किरासन तेल की कीमतों में भारी वृद्धि कर मजदूरों को तबाह कर रही है, जबकि कोरोना काल में मजदूर बिना राशन के अपने घरों में हैं। रोजगार का चारों ओर घोर अभाव है, जनता को तबाही के चौराहे पर खड़ी कर केंद्र सरकार भाग खड़ी हुई है। ऐसे में भी चुप नहीं रहेंगे, सरकार से दो दो हाथ करेंगे। नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही असल मालिक है, इसलिए सरकार रेलवे, सेल, भेल और कोयला खदानों को बेचना बंद करे, अन्यथा आंदोलन को धारदार बनाया जाएगा। ये 3 जुलाई का जो विरोध प्रदर्शन है पूरे देश के अंदर हो रहा है। सभी मजदूर संगठनों ने मिलकर के फैसला किया कि सरकार जिस ढंग से मजदूरों पर लगातार हमला कर रही है, सरकार जिस ढंग से मजदूरों के कानूनों को ख़त्म कर रही है, सरकार जिस ढंग से मजदूरों के कानून को ख़त्म करके पूंजीपतियों के पक्ष में बनाती चली जा रही है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। ना सिर्फ हम उसका विरोध करते हैं, उसके अलावे 70 सालों में देश की जनता ने जो अपनी गाढ़ी कमाई से मेहनत करके इकट्ठा किया धन, वो रेल है, वो भेल है, वो सेल है, तमाम हमारी संपत्तियों को सरकार बेचती चली जा रही है। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए कि मेरी संपत्ति को सरकार बेच रही है, इसी का विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर। हम लोग भी डाल्टनगंज शहर में इस बात का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये कोरोना का माहौल है, हम लोग इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मास्क लगा करके डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आज के प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोरोना के इस प्रलयकारी समय में हम कोई डिस्टर्ब पैदा करें, कोई हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जिस ढंग से सरकार एग्रेसिव है, जिस ढंग से सरकार मजदूरों पर लगातार हमले करती चली जा रही है, हम उसका जवाब देंगे। क्या मांग करते हैं? हमारा मांग है कि रेल बेच रही है सरकार, रेल बेचना बंद करे, रेल बेचना बंद करे, सेल बेचना बंद करे, कोयला खदानों की बिक्री हो रही है उसको बंद करे। सरकार कस्टोडियन है, सरकार मालिक नहीं है मेरा, हम लोग मालिक हैं, जनता मालिक है, जनता की गाढ़ी कमाई से जो कुछ भी अर्जित हुआ है वो दिखाई दे रहा है, इसलिए किसी भी कीमत पे सरकार को हम बेचने नहीं देंगे अपनी संपत्ति को। हम हर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इसी बात को बताने आए हैं। आप देखिए पूरे झारखंड के अंदर जो मजदूर बाहर से आए हैं, उनके घर में खाना नहीं है, उनके घर में राशन नहीं है, सबका रोजगार छीन गया। रोजगार और राशन की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ चौहान पर पहुँचे हैं, एक सांकेतिक विरोध लेकर के। ये मेरा सांकेतिक विरोध है और सांकेतिक विरोध के माध्यम से हम अपनी बात को यहाँ कहने आए हैं, अपनी बात को जन जन तक फैलाने आए हैं।